गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं डॉक्टर धीरज नेगी एलबीएस कॉलेज हरदा एजुकेशन वीडियोस के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन। ये पहली यूनिट का वो टॉपिक है जहां से हमारा कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट होता है और उसी में आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो स्टार्ट द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन विद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मेरी नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों को कहीं ना कहीं इसके वो इंपॉर्टेंट पेजेस क्लियर करेगी, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन और मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम इन लोगों को विस्तार से सारे पॉइंट्स को विस्तार से समझेंगे, पर कहीं ना कहीं मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, हमने कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट नॉनवर्बल लिसनिंग एंड हियरिंग पढ़े हैं और उसी का बेस है यह कम्युनिकेशन। आज आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की कम्युनिकेशन उसकी पहचान होती है। वो अच्छा बोलता है तो उसे एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पर जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, आप ये समझते हैं कि आपकी जिंदगी में ये कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। मेरी नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। किसी एक स्थान, व्यक्ति या समूह को किसी दूसरे स्थान या व्यक्ति तक जो सूचनाएं भेजनी होती हैं, जो आपस में वो कहीं ना कहीं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं हम हिंदी में संचार और इंग्लिश में कम्युनिकेशन के नाम से पुकारते हैं। विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोग देखने जा रहे हैं। देखा हम लोग यहाँ पर ये जो संचार वाला बिंदु लगा हुआ, ये संचार कहीं ना कहीं ये संचार वो बिंदु है जहां पर आपके जीवन में आपके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने अधीनस्थ, मतलब आपके जो जूनियर्स हैं और जो आपके सुपीरियर्स, जो आपसे वरिष्ठ हैं, वहां पर जब आप अपने टास्क को लेकर, या कहने का मतलब है जो काम आपको दिया जाएगा, वहां पर आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल ही आपको इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट से ज्यादा एक स्थान दिलाएगा। तो हम कहीं ना कहीं हमारे इंट्रोडक्शन में इसी चीज को देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को जब पहुंचाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या संचार के नाम से पुकारा जाता है। ये इंग्लिश वर्जन हमने दोनों ही स्टूडेंट्स के हिसाब से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के हिसाब से ये वीडियो जनरेट किया है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्लेस, वन पर्सन और ग्रुप। मतलब कहीं ना कहीं जब हम किसी भी एक व्यक्ति या एक स्थान या समूह से जब चर्चा करते हैं और हमारी सूचनाएं एक दूसरे तक जाती है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। हम एक बहुत शॉर्टली इसका मीनिंग देखते हैं। कम्युनिकेशन जो है उसे हिंदी में संचार कहा जाता है और कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेयर लेटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है, जिसका कहीं ना कहीं मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, किसी जानकारी को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शेयर करना। एक मनुष्य अपनी भावना, अपनी विचार, अपनी जानकारी, कहने का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स, किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, ये कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ था। और इसी कम्युनिकेशन शब्द के सहयोग से कम्युनिकेशन शब्द का निर्माण किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने मन की बात को किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकता है, शब्दों के साथ साथ और शब्दों के साथ साथ बिना शब्दों के साथ साथ, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ये जो रहता है यही कम्युनिकेशन है। आगे चलते हैं, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। कम्युनिकेशन इज द वर्ड, कम्युनिकेशन इज द डिवाइस ऑफ द लैटिन लैंग्वेज कम्युनिकेयर व्हिच मींस ऑफ द एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर द इंफॉर्मेशन एंड थॉट। जैसा कि अभी हमने बात की, कम्युनिकेशन शब्द जो है वो कम्युनिकेयर शब्द से मिलकर बना हुआ है और इसमें दो तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है ये हमारा इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमारे थॉट्स और कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स। इन तीनों का कॉम्बो पैक ही कम्युनिकेयर कहलाता है। और जब हम इस कम्युनिकेयर को लैटिन भाषा से लेकर बाहर निकलते हैं तो इसी का नया नाम आया है कम्युनिकेशन, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। हमने हमारा प्रथम पॉइंट
हमारा पहला पॉइंट देखा जो था इंट्रोडक्शन, सेकंड कहीं ना कहीं हमने मैंने देखा, आज एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने। कहीं ना कहीं जिस माध्यम के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, उन सभी चीज़ों को कम्युनिकेशन कहा जाता है। हमारी आवाज, हमारी भाषा, ये जो आप भाग देख रहे हैं हमारी भाषा वाला ऊपर वाला पोर्शन, ये एक दूसरे के साथ, अगर हमें इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी है, पर जरूरी है कि सामने वाले को भी इंग्लिश समझ में आए। हमें हिंदी बोलना बहुत अच्छी आती है, पर यह भी जरूरी है कि सामने वाले को हिंदी अच्छे से समझ में आए। तो जब हम किसी से बातचीत करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सामने वाला किस भाषा का जानने वाला। हम आगे चलते हैं हमारी डेफिनेशन इन इंग्लिश जो कहीं ना कहीं आपके सामने है। स्टूडेंट्स, दिस इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम बात कर रहे थे, आज मैं भी आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट वन वे। मैं आपसे वन वे, दैट्स कॉल्ड द लेक्चर, बट ये कम्युनिकेशन कब क्रिएट होगी, जब आपका मुझे इस वीडियो को देखकर रिप्लाई आएगा। और मैं इंतजार करूंगा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और हम बहुत जल्दी पहुंचते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक स्लाइड आपको नजर आ रही है, जिस स्लाइड में एक पोर्शन आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले नजर आ रहा होगा। मैं क्लियर करता हूँ इसे, जिससे कि आपको आसानी से दिख सके। और हम कहीं ना कहीं इसे जब देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ सेंडर। आप सब सेंडर के रूप में अपने अपने थॉट्स किसी और तक पहुंचाते हैं। हम सब सेंडर्स हैं, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को, हमारी इंफॉर्मेशन को हम एक सेंडर के रूप में पहुंचाते हैं। और जब वो धीरे 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 आगे बढ़ती है, तो वो आगे चलकर उसकी प्रोसेस को लेती है, और आपके सारे पॉइंट्स एक के बाद एक आते हैं। डिकोडिंग, जो आपका सेकेंड वाला पॉइंट डिकोडिंग, ये अपने आप में एक ऐसा पोर्शन है, जब सेंडर को हम मैसेज देते हैं तो वो उसे अपने आप कोड करता है, किस तरह से वो ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव ले रहा है, और फिर आगे चलकर डिकोडिंग से लेकर कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है। अब जब एक्सेप्ट करता है तो इसके बीच में बहुत सारी नॉइस होती है, बहुत सारी आवाजें होती हैं जो चारों दिशाओं से आती है, और वो उसे हटाते हुए आपकी ही बात को सुनता है। और जब आपकी बात को वो पूरी तरीके से सुन लेता है, तो इन द लास्ट वो अपना फीडबैक आपको देता है, और आपका वो फीडबैक ही आपका इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई या नहीं। क्योंकि जब आपने जिस अंदाज में अपने रिसीवर को अपना मैसेज दिया, उसने उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया, कोडिंग करी, और कोडिंग करने के बाद आपको फीडबैक दिया, और फीडबैक वो मिला जो आप चाहते थे, दैट इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।